छत्तीसगढ़ में पुरातत्व अवशेषों का भंडार है। यहाँ कई सारे ऐतिहासिक एवं प्राचीन धरोहर छिपे हुए हैं, जिसका पता लगाने के लिए पुरातत्व विभाग के द्वारा समय समय पर खुदाई भी की जाती है। लेकिन खुदाई के बाद उन अवशेषों के बारे में विस्तृत इतिहास जानने के लिए विभाग को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। खुदाई में मिल रहे अवशेष व बर्तनों का सही उम्र पता लगाने के लिए हमारे प्रदेश में लैब है ही नहीं, जिसके कारण महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में स्थित लैब का सहारा लेना पड़ता है। इसकी जांच रिपोर्ट आने में 1 से 6 माह का समय लग जाता है। इस विषय में पुरातत्ववेत्ता जे आर भगत क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो है ना रेडियो कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि की कोई भी प्रयोगशाला हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, और यहाँ के जो जितने भी पुरातत्व अवशेष प्राप्त होती है उसको हम 2 जगह पर जो है ना उसकी काल निर्धारण के लिए जो हम भेजते हैं, एक नागपुर और दूसरी लखनऊ में। पुरातत्व खुदाई में जो प्राप्त होते हैं जो अवशेष, उनको 2 तरह की पद्धति से उसके काल का निर्धारण किया जाता है। पहला जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो जंतुओं और पौधों के से जो प्राप्त अवशेष जो होते हैं उनकी आयु निर्धारण के लिए जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जो है कार्बन-14 का प्रयोग किया जाता है, और कार्बन-14 एक रेडियोधर्मी आइसोटोप पद्धति है। इस पद्धति के तहत में हम उत्खनन में जो जीव जंतुओं और पौधों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उन अवशेषों को जो है ना उनकी काल निर्धारण इस पद्धति से हम करते हैं। और दूसरी पद्धति जो होती है, दूसरी पद्धति होती है थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि, और इस विधि के माध्यम से हम जो पुरातत्व के क्षेत्र में जो उत्खनन में प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन, चारकोल और आयरन, ये सब जितने भी होते हैं उन चीज़ों का जो काल निर्धारण हम थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि से इनका हम करते हैं। कार्बन डेटिंग और ल्यूमिनेसेंस में जो थर्मोल्यूमिनेसेंस जो विधि है, ये दोनों ही विधि जो है ना पुरातत्व के क्षेत्र में जो है ना महत्वपूर्ण विधि है, और इस विधि से हमें एग्जैक्ट जो है ना उन वस्तुओं की समय का पता चलता है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो तिथि निर्धारण होने पर इतिहास एवं वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, उससे जो है हमें एक इतिहास का काल निर्धारण करने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास को एक वैज्ञानिक तरीके से जो तथ्यों का निर्धारण करने में रेडियो कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस में विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। रायपुर से प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।